और टांगे बहुत जगह से टूटी हुई है, रीढ़ की हड्डी में बाल है और सिर तीन जगह से फाड़ा। अब दोनों टांगे तीन जगह से तोड़ दी और पतली भी टूटी हुई है, रील की हड्डी में बाल है और कोई जगह ऐसी बची हुई है, सब तीन जगह से फटा हुआ उसका टांगे टांगे आया वो। मैं इस वक्त रामपुर के थाना अजीम नगर क्षेत्र के डोकपुरी टांडा गांव में हूं। आपको बता दूं यहां पर एक ड्राइवर की जो है गांव के ही लोगों ने जबरदस्त पिटाई कर डाली और पीटा भी इतना है कि वो आज जिंदगी और मौत के बीच एक चारपाई पे जूझ रहा है। कई तरह की उसकी दोनों टांगों की जो है हड्डियां तोड़ दी, साथ ही एक दांत तोड़ दिया और सर में चोटें आई हैं, गंभीर चोटें जो है लहू लुहान करने के बाद छोड़ा है। फिलहाल आज वो जिंदगी और मौत के बीच अपने घर में जूझ रहा है। हालांकि परिवार में जो है आक्रोश है, मैं उनसे ही बात करता हूँ किस तरीके से। देखिए मैं हालात आपको दिखाऊं किस तरीके से जो है यहाँ इनको मारा है, पूरी तरीके से कई हड्डियां तोड़ी हैं, हालांकि दोनों टांगे जो है फ्रैक्चर हैं। ये मैं तस्वीरें दिखाऊं आपको कि टांगे किस तरीके से हड्डियां जुड़ी हुई हैं, हड्डियों को तोड़ा गया है, राडो से मारा गया है। तो कुल मिला के ये व्यक्ति आज जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। कुल मिला के क्या नाम है आपका? रफी जी, किस तरीके से आपको किन किन लोगों ने मारा? ये इरशाद ने मरवाया था ना गुड़गांव में, कटारिया चौक में। अच्छा, मतलब कुल मिला के इनसे बोला नहीं जा रहा है, इनके परिवार के लोगों से बात कर लेते हैं। इनकी पत्नी है, क्या नाम है आपका? पूरी मुस्कान जी, क्या हुआ पूरी बात बताइए। बुशरा जी, पुरानी रंजिश थी थोड़ी, वही माना कर था, हम तो माने भी ना कर था और इन गुड़गांव में मारुति गेट गए, वही मार लिया, मेरे पांच बच्चे। नहीं रो मत, तो कहां को चोट लगी इनके? इनके दोनों टांगे दो दो जगह से तोड़ दी, रील की हड्डी में बाल और गर्दन में। मारा किस किसने, नाम क्या होंगे आपके गाँव की? इरशाद और सुभान अली, दोनों को पहचाना था और बाकी नहीं पहचाना कौन। तो कोई ज्यादा बड़ी रंजिश थी? कोई भी नहीं, ज्यादा बड़ी सी रंजिश नहीं थी। अच्छा, तो पुलिस आई यहाँ पर तहरीर दी? पुलिस आई थी, मुरादाबादी आई थी, वो बस सैल वो चला गए थे लेके और वापस नहीं आए दोबारा, 23 दिन हो गया हमें। वही कहाँ इलाज चल रहा था इनका? मुरादाबाद डॉक्टर खरे राकेश खरे के यहाँ। अच्छा, इनके ब्रदर भी हैं, इनसे पूछता हूँ क्या मामला है, पूरी बात बताइए, क्या आखिर वजह इनके सामने जो इनको मारा पीटा? देखो गुड़गांव गए थे मारुति लेके, अब उनको माँ जाकर बुलाया, बुलाने के बाद में उसको वकील चादर और क्या कहें उसका सुभान अली और एक वकील नाम का, इनने दो को पहचाना है, इरशाद को और सुभान अली को। मारा किस सही को? उसको तालदार हथियार और लाठे और कोई जगह छोड़ी नहीं है, और चोट माँ मौत और उसके बीच में छोड़ दिया, मरो ही छोड़ के गए, अधमरा कर दिया, अधमरा ही करके छोड़ गया, उस टाइम तो मरो ही उठाया। कहाँ कहाँ चोटे इनके? इनके दोनों टांगे एक तो दो जगह टूटी पड़ी है और एक एक जगह तो टूटी हुई है। अच्छा, और रील में बाल है और पथरी में बाल है और सर में टांके आए हुए हैं और एक हाम टूटी हुई है और एक दांत टूटा हुआ है, नाखून निकला हुआ है। कितना पैसा खर्च हो गया होगा? रुपया लेकर के आए हम 4.5 लाख रुपए में। आप तक कौन से हॉस्पिटल में थे? ये डॉक्टर खरे। सारे बिल हैं आपके पास? सारे बिल हैं। पुलिस की तरफ से कोई एक्शन लिया गया अभी कोई आरोपियों के खिलाफ? हमने रिपोर्ट लिखवाई थी, नाम की जो आप अब्बल नाम बोले हैं वही नाम वहाँ बोले थे, वो आज तक FIR पे आज भी नाम नहीं है। मतलब पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। मैं आपको दिखाऊं, एक मिनट, ये तस्वीरें देखें आप, ये देखिए, ये इनकी हड्डियां जो है पूरी तरीके से टूटी हुई हैं, रीढ़ की हड्डी पे बाल बताया जा रहा है, गर्दन पे चोटे हैं, शरीर पे, मैं आपको ये तस्वीरें दिखाऊं, ये देखिए नील तक पड़े हैं, ये नील देखिए आप किस तरीके से स्क्रीन पे नील पड़ा है। तो कुल मिला के आक्रोश है परिवार के लोगों में और ये दुख जताया जा रहा है कि इतनी बर्बरता से मारा गया है, मगर पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि थाना अजीम नगर को तहरीर दे दी गई है मगर आरोपियों की अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मेडिकल इनका हो चुका है, लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं और अभी भी सही नहीं है, इलाज इनका चल रहा है अस्पताल से इनको, क्योंकि गरीबी हालात हैं, आर्थिक स्थिति कमजोर है। ये मैं दिखाऊंगा, ये देखिए पंखा और किस तरीके से ये कोठली के अंदर पड़े हुए हैं और बच्चे छोटे छोटे हैं इनके, ये देखिए ये बच्चे हैं इनके।
बच्चे छोटे हैं छोटे हैं, और कुल मिला के इन लोगों की मांग है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मांग कर रहे हैं कि जो जिन लोगों ने पीटा है आरोपियों के खिलाफ FIR होनी चाहिए और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि इनके खिलाफ जिस तरीके से इनको मारा गया है, पीटा गया है, लहूलुहान कर दिया गया है, अधमरा करके छोड़ा गया है, तो कहीं ना कहीं परिवार इंसाफ मांग रहा है और CM योगी जी से भी जो है गुहार लगा रहा है कि इनको इंसाफ चाहिए। वीडियो जल्दी प्रवेश के साथ अफान अहमद, क्यू TV, भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।